हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान दीजिएगा, राइट द क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म 3n+1, फॉर एग्जांपल 4, 7, 10, एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+1 इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म, दैट इज व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इट लीव्स द रिमाइंडर 1। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 नेचुरल नंबर्स ऐसा ढूंढिए जिसका क्यूब निकालना है आपको, राइट करना है क्यूब 5 नेचुरल नंबर्स का। लेकिन ये जो 5 नेचुरल नंबर्स निकालेंगे आप, उनका जो फॉर्म होना चाहिए वो 3n+1 के फॉर्म का होना चाहिए। जैसे कि 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 3n+1 के फॉर्म में। कैसे? 3+1, और 3+1 को लिख सकते हैं 3 × 1+1। तो यहाँ पर देखिए एन के जगह पर जो है 1 है। सिमिलरली 7 को लिख सकते हैं हम 6+1, और 6 को ले सकते हैं हम 3 × 2+1। तो यहाँ पर देखिए n की जगह पर क्या है, 2 है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 10 का हो जाएगा 9+1 लिख करके, और यहाँ पे 3 × 3 कर सकते हैं, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे है क्या, n है। मतलब कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये 3n+1 के फॉर्म के हैं। तो यहाँ पर बस ये बोल रहे हैं आपको कि ऐसे 5 नंबर्स निकालिए और उनका क्यूब निकालिए, ठीक है। जैसे 4, 7, 10 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद हो जाएगा 16, अच्छा 12 नहीं होगा, 13 होगा, सॉरी यहाँ पे ये होगा 13, और उसके बाद होगा 16। तो ये इन 5 नंबर्स का हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। जब निकालेंगे तो पता चलेगा कि जो क्यूब आएगा उसका भी सेम फॉर्म होगा, मतलब कि जो क्यूब आएगा वो भी 3n+1 के फॉर्म का ही होगा, और इसी चीज़ को वेरीफाई करना है। अच्छा, 3n+1 आने का मतलब कि देखिए 3 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 1 आएगा। ये समझ में आ जाएगा जो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाई 3 इट लीव्स रिमाइंडर 1। जैसे यहाँ पर ही देखिए 3n+1 है ना, 3n+1, यदि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, कहने का मतलब यही है बस। तो 3 से डिवाइड करिए तो क्या मिल रहा है, n टाइम्स जाएगा यहाँ पर, n टाइम्स 3 × n, 3n हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 उतर जाएगा। 1 क्या है, रिमाइंडर है, दैट इज रिमाइंडर, और n टाइम्स क्या है यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि इस तरह का फॉर्म जब रहेगा तो 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा। वही यहाँ बोला हुआ है कि व्हेन डिवाइडेड बाई 3 इट लीव्स द रिमाइंडर 1। फाइनली हम क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अब इनका क्यूब निकालना है। सो इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 4 जो है इस 3n+1 के फॉर्म में है, ठीक है, इसका क्यूब निकालने पर जो आएगा वो भी 3n+1 के फॉर्म में होना चाहिए, यही हमें शो करना है बस, ठीक है। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग, इसको वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। ओके, देखते हैं। तो क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू हो जाएगा, 4 का क्यूब कर दीजिए तो 4 क्यूब। अब 64 को हमें कन्वर्ट करना है 3n+1 के फॉर्म में, तो पहले इसमें से 1 जो है बाहर निकाल लीजिए, तो लिख लेंगे 63+1। 63 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो इसके फैक्टर निकल जाएंगे, कहने का मतलब कि देखिए ऐसा करेंगे, यदि 3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 3 × समथिंग निकल जाएगा, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 63 3 से, तो 3 × 2 = 6, कैंसिल आउट, 3 उतरेगा यहाँ पर, 3 × 1 = 3, कैंसिल आउट, मीन्स 21 आएगा। मीन्स यहाँ लिख सकते हैं 3 × 21+1, ये जो प्लस वन है लिखेंगे, 63 को हमने लिख लिया 3 × 21। देखिए तो ये 3n+1 के फॉर्म में आ चुका है, मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 21 है। ओके, कि दिस इज ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म 3n+1। ओके, सबको ऐसे ही करना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं सबको क्यूब ऑफ 7। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 3n+1 के फॉर्म में, 342+1, पहले एक बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, वो मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है, जैसा मैंने किया था पहली बार। तो हम डायरेक्टली करते हैं यहाँ पर 3 × 3 = 3, देखिए 3 में डिवाइड करेंगे 3 × 3, 4 में करेंगे 3 × 3, 1 = 12 हो जाएगा, और 3 × 4 = 12, मीन्स 114 आ जाएगा +1। तो दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 3n+1,
और यहाँ पर n की जो वैल्यू है वह है 114, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने शॉर्टकट में यहाँ लिख लिया है क्यूब ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और 1000 को लिख सकते हैं हम 999 + 1, और 999 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से डिवाइड करिए, 3 3 9 + 1, ये भी जो है 3n + 1 के फॉर्म में आ चुका है, और यहाँ पर n की वैल्यू जो है 333 है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्यूब ऑफ 13, ठीक है। इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे, 2196 + 1 इक्वल टू 3 times 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 7 21, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है, इतना आ गया +1। दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 3n + 1 वेयर n इज इक्वल टू 732। नाउ द लास्ट वन, क्यूब ऑफ 16, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, या फिर याद कर लीजिए आप 20 तक, ठीक है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और काफ़ी फास्ट हो जाएंगे सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4035 + 1 इक्वल टू, यहाँ पर आप 3 के मल्टीपल में लिखेंगे तो 3 × 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 = 3, 1 + 10 हो गया, 3 3 = 9, 1 हो गया 13 हो गया, 3 4 = 12, एंड 1 + 15 हो गया, 3 3 5 = 15 + 1। सो इट इज ऑल्सो द फॉर्म 3n + 1, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है 1345। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ही जो यहाँ पे बोला है कि द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n + 1, मतलब कि यदि हम क्यूब करते हैं किसी ऐसे नेचुरल नंबर का जैसे कि 4, 7, 10 इन सब का जो कि 3n + 1 के फॉर्म में है, तो 4 बिल्कुल ही 3n + 1 के फॉर्म में है क्योंकि 3 × 3 + 1 कर सकते हैं, 3 × 1 + 1 कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 3 × 2 + 1 यहाँ पे कर सकते हैं, 3 × 3 + 1 यहाँ पे कर सकते हैं, 3 × 4 + 1 यहाँ पे कर सकते हैं, 3 × 5 + 1, मतलब कि सारे के सारे जो है 3n + 1 के फॉर्म में है, इनका यदि क्यूब करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 64 आया, 343 आया, फिर ये 1000, 2197, 496, ये सारे के सारे जो हैं इनको भी हम 3n + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर हम रिस्पेक्टिव लिख चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ भी n की वैल्यू आप जानते हैं 21 है, करेक्ट। तो बिल्कुल जो यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम एवफ we have verified the statement को लिख लेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।